अननोन सिग्नल्स को अलाउ करता है और कब वो ऑफ होता है उसको यहाँ पर उसके वर्किंग को यहाँ पर हम लोग समझेंगे तो यहाँ पर आप लोग बेसिकली कॉम्पोनेंट्स देखेंगे तो डॉटेड लाइन के अंदर में जो यूनिट है ये ही आपका मेन जो है गेट कंट्रोल यूनिट है इसको हम लोग गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप भी कहते हैं तो यहाँ पर दो फ्लिप फ्लॉप होता है एफ टू और एफ वन जो है फ्लिप फ्लॉप है ये दोनों एस टाइप का फ्लिप फ्लॉप होता है सेट और रिसेट फ्लिप फ्लॉप होता है इसमें दो एंड गेट होता है एक गेट को स्टार्ट गेट कहते हैं और एक गेट को हम लोग क्या कहते हैं स्टॉप गेट कहते हैं इन दोनों को एक्टिवेट करने के लिए हम लोग जो है टाइम बेस्ट सिलेक्टर से इनपुट देते हैं कि जो पलसेस आता है टाइम बेस्ड सिलेक्टर से आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में टाइम बेस्ड सिलेक्टर के बारे में देखा होगा कि क्रिस्टल ऑक्सीटर से जो ऑक्सीटर से जो स्मिथ ट्रिगर में इनपुट जाता है और स्मिथ ट्रिगर उसको पलसेज में कन्वर्ट करके वो फर्दर कहाँ जाता है डिकेट डिवाइडर में जाता है और वो डिकेट डिवाइडर में वो सिग्नल जो है आपको टाइम में कन्वर्ट हो करके टा टाइम में कन्वर्ट हो करके वो जो है कहाँ जाता है गेट कंट्रोल यूनिट में जाता है तो यहाँ पर हम लोग गेट कंट्रोल यूनिट के ही बारे में पढ़ेंगे एंड दिस इज़ द नॉन फ्रीक्वेंसी सोर्स स्मिथ ट्रिगर एंड मेन गेट और इसी मेन गेट का ओपन और ऑफ़ होना के लिए ही हम लोग जो है गेट कंट्रोल फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर इनिशियली जब हम लोग बात करते हैं तो एफ एफ वन को जो है हम लोग सेट मानते हैं दैट मीन्स के यहाँ पर जो भी होगा इसका जो वैल्यू होगा वो वन होगा तो यहाँ पर इसका एक इनपुट जो है ए स्टॉप गेट के ए में जाता है यहाँ पर से इसका जब सेट है ये यह, तो यहाँ पर जो ए का इनपुट होगा ये वन होगा और पल्सेस फ्रॉम टाइम बेस सेलेक्टर से भी क्या जाता है बी के लिए वन जाता है तो यहाँ पर जो आउटपुट आता है ये हाई आउटपुट आता है वन आउटपुट आता है और ये जो है एस एस यहाँ पर भी एस एफ एफ टू के एस में कहाँ जा क्या जाता है वन जाता है ओके नेक्स्ट है यहाँ पर एफ एफ का दूसरा आउटपुट जो है वाई डैश जो कि जीरो स्टार्ट गेट में जाता है ए में तो यहाँ पर ए के लिए ये ज़ीरो जाता है और यहाँ पर बी के लिए वन जाता है तो यहाँ पर जो आउटपुट आता है वो जीरो आता है और वो आर में कहा क्या जाता है ज़ीरो आउटपुट जाता है ओके एफ एफ टू में क्या क्या जाता है यहाँ पर ज़ीरो जाता है तो यहाँ पर जो है दोनों कंडीशन में ज़ीरो जाता है यहाँ पर जो ये सेट हो जाता है एफ एफ टू भी सेट होता है यहाँ पर आउटपुट आता है और इसका जो आर डैश है वाई डैश आउटपुट जो है यहाँ पर बी पर मेन मेन गेट के बी पर जाता है तो ये क्या हो जाता है ये बी का इनपुट जो है वो ज़ीरो हो जाता है और ये जो है मेन गेट उस कंडीशन पर क्या हो जाता है क्लोज हो जाता है ठीक है मेन गेट क्या हो जाता है क्लोज रहता है और यहाँ से अगर पॉजिटिव पल्स भी जाता है ए पर तो भी यहाँ पर ज़ीरो आउटपुट आता है और काउंटर पर जो है कोई भी हम लोगों को आ, डिस्प्ले पर कुछ भी नहीं दिखता है ओके okay? कोई भी फ्रीक्वेंसी काउंट नहीं होता है बट जैसे ही हमारा जो है यहाँ पर एक रीड प्लस यहाँ पर इसके एफ एफ वन के आर में एक पल्स इनपुट करते हैं रीड पल्स रीड पल्स इसको हम लोग रीड पल्स कहते हैं रीड पल्स इनपुट करते हैं तो ये जो है क्या करता है कि जब ये एफ एफ वन सेट पर होता है तो उसको रिसेट कर देता है ठीक है दैट मीन्स वन को ये जीरो में कन्वर्ट कर देता है सेट को रिसेट कर देता है और वन को जीरो में कन्वर्ट कर देता है तो उस कंडीशन पर ए पर जो इनपुट आता है वो जीरो इनपुट आता है और स्टॉप गेट क्या हो जाता है वो क्लोज हो जाता है ओके स्टॉप गेट क्लोज़ हो जाता है और यहाँ पर जो है स्टार्ट गेट में जो इनपुट जाता है वो वन जाता है और यहाँ से पल्स जो टाइम बेस सेलेक्टर का जो पल्स जाता है वो यहाँ पर भी वन ही रहता है और उस कंडीशन पर यह क्या जाता है आउटपुट वन हो जाता है और ये भी एफ एफ टू भी क्या हो, पर, क्या हो जाता है रिसेट हो जाता है ये ज़ीरो पर जाता है और यहाँ पर से जो इनपुट जाता है बी पर यह क्या हो जाता है वन वन इनपुट जाता है और मेन गेट क्या हो जाता है ओपन हो जाता है और मेन गेट ओपन होते ही जो है यहाँ पर क्या होता है कि इनपुट जो है आपका अननोन फ्रीक्वेंसी सिग्नल यहाँ से पास होना शुरू हो जाता है और दूसरी बात कि यहाँ पर जो रेड पल्स यहाँ पर इनपुट कर रहे हैं वही रेड पल्स जो है आपको काउंटर पर भी इन फिट कराया जाता है और काउंटर पर फिट कराने के बाद जो है वो क्या होता है कि काउंटर को भी वो जीरो से रिसेट कर देता है ज़ीरो से स्टार्ट कर देता है और वो उसको हम लोग आउटपुट पर वहाँ पर जो भी है आपका फ्रीक्वेंसी जा रहा है उसको वो काउंट करना जीरो से स्टार्ट कर देता है तो इसका वर्किंग हम लोग देखते हैं तो अनोन फ्रीक्वेंसी का जो पॉजिटिव पल्स जाता है उसको हम लोग कॉन्टेड सिग्नल कहते हैं जो कि इनपुट ए मेन गेट के इनपुट ए में जाता है यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि मेन गेट के इनपुट ए में जो है पल्स जा रहा है तो इस पल्स को ही हम लोग क्या कहते हैं कॉन्टेड पल्स कहते हैं नेक्स्ट है कि पॉजिटिव पल्स फ्रॉम टाइम बेस सिलेक्टर इज़ अराइविंग एट द इनपुट ऑफ बी ऑफ स्टार्ट गेट एंड द इनपुट ऑफ़ बी ऑफ़ स्टॉप गेट यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर डिस्क्राइब है कि एक जो पॉजिटिव पल्स टाइम बेस सिलेक्टर का जो जा रहा है वो इनपुट ऑफ गी बी स्टार्ट गेट पर जाता है इस्टॉप गेट पर जाता है और इनपुट ऑफ बी इस्टार्ट गेट पर पॉजिटिव पल्स जाता है दैट मीन्स के दोनों कंडीशन में यहाँ पर इनपुट वन होता है ओके okay? नेक्स्ट है कि कंसीडर करते हैं कि हमारा जो एफ एफ वन है वो क्या है? वो होता है इनिशियली वो सेट होता है ठीक है उसका जो इनपुट होता है वो सेट वन होता है तो वहाँ पर जो वाई का वहाँ पर जो आउटपुट वाई होगा वो स्टॉप गेट के ए पर होता है और उसको क्या करता है ओपन कर देता है ओके तो यहाँ पर जो मतलब आउटपुट है वो वन आउटपुट आएगा इसका और यहाँ से भी वन आ रहा है तो इसका आउटपुट वन आएगा और ये इसको क्या कर देगा ओपन कर देगा ओके नेक्स्ट यहाँ पर है कि वाई वाई एफ एफ वन का जो वाई डैश है वो स्टार्ट गेट के ए पर जाता है दैट मीन्स के यहाँ पर वाई डैश मतलब के वन बाई बा बार हो जाता है दैट मीन्स कि ये वैल्यू क्या हो जाता है लो हो जाता है अगर इसका वैल्यू वाई का वैल्यू वन है तो यहाँ पर वाई बार का वैल्यू क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा और ये ज़ीरो जब यहाँ से जाता है और यहाँ से वन जाता है तो ये क्या हो जाता है यहाँ पर जीरो वैल्यू यहाँ पर आ जाता है और ये स्टार्ट गेट क्या हो जाता है क्लोज़ हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि द पॉजिटिव पल्स फ्रॉम द टाइम बेस कैन गो थ्रू कैन गेट थ्रू द सेट इनपुट टर्मिनल ऑफ फ्लिप फ्लॉप टू एंड कीप इट स्टॉट वन तो यहाँ पर जो भी आपका पॉजिटिव पल्स जा रहा है इसके सेट पर जो जाता है यहाँ पर यहाँ से जो भी सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है यहाँ से वन आया और ये यह सिग्नल यहाँ जा रहा है तो इसको ये सेट कर देता है और इसको वन से, पर सेट कर देता है फ्लिप फ्लॉप टू पर फ्लिप फ्लॉप टू को क्या करता है वन पर सेट कर देता है <coughs> उसके बाद क्या है कि तो यहाँ से जो फ्लिप फ्लॉप टू का जो वाइड डैश आउटपुट है वो टर्मिनल बी के मेन गेट पर इन मतलब मेन गेट के टर्मिनल बी से इन करता है उस और वहाँ से अननोन फ्रीक्वेंसी पा मेन गेट क्लोज हो जाता है और अननोन फ्रीक्वेंसी क्या होता है वहाँ से पास नहीं होता है ओके बट स्टार्ट करने के लिए हम लोग जो है फ्लॉप वन में एक रेड पल्स अप्लाई करते हैं टू रिसेट द टर्मिनल ऑफ एफ एफ वन यहाँ से हम लोग जो है एक रीड टर्मिनल यहाँ से इनपुट करते हैं यहाँ से एक रीड पल्स इनपुट करते हैं रीड पल्स ओके एक रीड पल्स यहाँ से इनपुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है कि जीरो से वन में वन से जीरो में ये कन्वर्ट हो जाता है रिसेट हो जाता है और यहाँ पर जो है सारा आउटपुट दैट मीन्स कि y का जो हाई जा रहा था y का वैल्यू वन जब जा रहा था दैट मीन्स हाई वैल्यू जा रहा था तो उस कंडीशन पे ये लो में कन्वर्ट कर देता है और y डैश का वैल्यू जब हाई में जा लो में जा रहा था तो उसको वो क्या करता है हाई में कन्वर्ट कर देता है दैट मीन्स के ज़ीरो से वन में कन्वर्ट कर देता है तो उस कंडीशन पर जो है इसका वैल्यू वन आ जाएगा और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा तो यहाँ पर एफ एफ टू भी क्या हो जाएगा रिसेट हो जाएगा और अपने ज़ीरो पर चला जाएगा और यहाँ पर जो है वाई डैश का जो आउटपुट आता है वो जो है बी में इन करता है ओके okay? तो यहाँ पर देखिएगा कि सेम रेट और उसके बाद जो है आपका बी में इनपुट होता है और वो मेन गेट क्या होता है ओपन हो जाता है सेम रेट पल्स जो है आपका डिकेट काउंटर में भी इनपुट किया जाता है टू स्टार्ट द काउंट फ्रॉम द ज़ीरो अब उसके बाद है कि जब नेक्स्ट पल्स जब टाइम बेस का आता है अराइव होता है तो इट इज़ एबल टू पास थ्रू द स्टार्ट गेट एंड रिसेट द टर्मिनल ऑफ़ एफ एफ टू फ्राम वन टू ज़ीरो और ये फिर जो है जैसे ही नेक्स्ट पल्स आता है तो वो फिर जो है टर्म आ, क्या होता है कि एफ एफ टू जो है वन से ज़ीरो में कन्वर्ट हो जाता है और रिजल्टिंग द पॉजिटिव वोल्टेज इट इज़ द इट्स इनपुट वाई कॉल्ड गेटिंग सिग्नल इज अप्लाइड टू द इनपुट ऑफ़ बी मेन गेट एंड ओपन द गेट तो यहाँ पर क्या होता है कि गेट को ओपन कर देता है बी के आ, बी के इनपुट में जाता है और फिर उस कंडीशन में क्या होता है कि गेट को फिर से क्या करता है ये ओपन कर देता है ओके okay. अब नेक्स्ट है कि द पल्स फ्रॉम द अननोन फ्रीक्वेंसी सोर्स आर एबल टू पास थ्रू द मेन गेट एंड काउंटेड ऑन द काउंटर यहाँ पर जब तक जो है मेन गेट जब तक जो है टाइम बेस का पॉजिटिव पल्स जा रहा है जितना टाइम तक जो है टाइम बेस का पॉजिटिव पल्स जाएगा उस ड्यूरेशन तक जो है आपका अननोन फ्रीक्वेंसी सोर्स का जो मेन गेट है ओपन रहेगा और जो है अनोन फ्रीक्वेंसी सोर्स वहाँ से पास होता रहेगा और काउंटर पर क्या होगा काउंट uh, होता रहेगा ओके okay? तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है द सेम पल्स पासिस थ्रू द स्टार्ट गेट इज अप्लाइड टू सो द इनपुट ऑफ एस ऑफ एफ एफ वन चेंजेस फ्रॉम द ज़ीरो टू वन अब ये जो है <coughs> फिर सेम पल्स जो है पास होगा फिर नेक्स्ट पल्स आएगा ये मतलब सेम प्रोसेस कंटिन्यू होता रहेगा जब पॉजिटिव पॉजिटिव पल्स जा रहा है तो एफ एफ वन जो है क्लोज होता है ओपन होता है ओपन होता है सेट होता है और रिसेट होता है सॉरी क्लोज और ओपन नहीं सेट और रिसेट होता है और स्टार्ट और स्टॉप गेट जो है ओपन और क्लोज होता है और ये जो है प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है और हमारा जो अनोन सिग्नल है वो काउंट होता रहता है ओके उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो हम लोग काउंट करते रहते हैं ओके So this is all for today's session. Thank you.